स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको एक बहुत लेटेस्ट अपडेट देनी है मेरे को। जैसा कि आपको मालूम होगा अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और भाजपा हिंदू मुस्लिम का राग अलापने वाली है। अभी कई जगह ऐसी न्यूज़ आ रही थी मेनस्ट्रीम मीडिया में कि मुस्लिमों ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। तो गाइस इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ये जो यूपी के चुनाव समीप आते जा रहे हैं पास आते जाता आ रहे हैं इसको लेकर अब भाजपा हिंदू मुस्लिम राग फिर से अलापने वाली है और ये चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाना चाहती है, जिससे मुस्लिम को डराया जाए, मुस्लिम वोटर को डराया जाए, दबाया जाए और जो हिंदू वोटर है वो ये सोचे कि भारत अब खतरे में है, हिंदू अब खतरे में है और भाजपा को वोट दे दे। तो उन्होंने ये कहा है। इसको लेकर आपको क्या राय है नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि स्टेन स्वामी जो कि एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो कि समाज को सुधारने के लिए, आदिवासियों का जीवन अच्छा करने के लिए दिन रात लगे रहते थे, जिनकी उम्र 84 साल थी, उनकी डेथ हो गई है। और चंद्रशेखर आजाद जी ने ये आरोप लगाया है कि बिना किसी आरोप के, मतलब कोई भी आरोप उनके ऊपर साबित नहीं हुआ था, तब भी प्रशासन ने उन्हें यातनाएं दी, प्रताड़ित किया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि उनको कितनी यातनाएं दी गई थी 84 साल की उम्र में, जिस कारण से उनकी डेथ हो गई है। चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि इस मौत के जिम्मेदार केवल प्रशासन है और भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार ने ये यातनाएं उन्हें दी है और इस कारण उनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी से। असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद से सांसद है, तो गाइस उन्होंने एक चैलेंज दिया है योगी जी को। उनका कहना है अगर योगी जी 2022 का चुनाव जीत के दिखाते हैं तभी मैं उन्हें मान पाऊंगा। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2022 का चुनाव नहीं जीत सकते योगी जी। लेकिन कई बार असदुद्दीन ओवैसी पर भी ये मतलब आरोप लगा है कि वो भाजपा की पीछे से मदद करते हैं मुसलमानों का वोट काट कर। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक अपडेट निकल कर आ रही है यूपी से। जैसा कि आपको पता होगा कि आजाद समाज पार्टी की साइकिल यात्रा चल रही है, बहुजन साइकिल यात्रा चल रही है, जिसमें महिलाएं भी, हाँ युवा महिलाएं भी बड़े चढ़कर हिस्सा ले रही है। दोस्तों आपने कई जगह तस्वीरें और वीडियोस देखे होंगे भीम आर्मी के पेज के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बिजनौर यानी कि मायावती जी का गढ़, मायावती जी का गाँव, वहाँ पर भी कल चंद्रशेखर आजाद जी ने एक रैली करी, बहुजन साइकिल रैली करी। वहाँ पर वो पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर युवा थे, युवाओं का एक हुजूम सा था दोस्तों वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा संख्या में युवा थे। और माना भी ये जा रहा है कि जो दलित वोट बैंक है और जिसमें खासकर एक युवा वर्ग है, वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी एक सेंध मारने वाले हैं, बड़ी सेंध मारेंगे और एक बड़ा वोट बैंक ले जाएंगे बसपा का छिटक कर। क्योंकि दोस्तों बस जितने भी अगर अम्बेडकर राइट युवा है वो अभी तक बसपा को ही वोट करते हुए आए थे, लेकिन जब से चंद्रशेखर भाई आए हैं तब से एक रुझान या फिर एक कह लीजिए लोगों का मन बदला है, या फिर जो बसपा को वोट नहीं करना चाहता है वो चंद्रशेखर आजाद जी को वोट करेगा, एक ऑप्शन बन गया है। हालांकि दोस्तों आप लोग क्या कहते हो, आपका क्या कहना है इस बारे में कि कौन जीत सकता है 2022 का यूपी चुनाव, किसकी सरकार बनेगी? और अगर आप एक युवा हो तो आप क्या बोलते हो, आप बसपा और असपा यानी कि आजाद समाज पार्टी में से किसी एक को चुनना चाहते हो तो किसको चुनोगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए।